फ्रेंड्स, आज मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। चलिए बनाते हैं। पहले चिकन बनाना पड़ेगा। यह 1 किलो चिकन है, देख सकते हैं आप, धो लिया मैंने। प्याज है 3 पाव, 4 से 5 तेज़पत्ता है, लाल मिर्च है 4, अदरक बारीक कद्दूकस की हुई, लहसुन है पूरा 2 बारीक काटा हुआ, या खड़ा गरम मसाला है, दालचीनी, इलायची, जावित्री, सहजीरा, लौंग है, जायफर है, इसे सब कूट के मसाला तैयार करेंगे। देखिए मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, अब ऑयल डाल रहे हैं, गैस की फ्लेम हाई है। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तेज पत्ता डाला मैंने 4 से 5, या लाल मिर्च है जो 4 ठो थी, 4 लाल मिर्च डाल दिया मैंने। अब प्याज मैं डाल रही हूँ, सारा प्याज डाल देना है। अब अदरक डालते हैं, देखिए, कुटी हुई लहसुन, महीन काटा हुआ भी डाल सकते हैं आप, कूटा हुआ भी डाल सकते हैं। अब इसे ऊपर नीचे कायदे से मिला देते हैं अच्छी तरह। अब इसमें सहजीरा डाल लें 1 चम्मच, जावित्री, दालचीनी मैंने डाल दी है, और कूट के लौंग इलायची डालेंगे। देखिए जो खड़ा गर्म मसाला था वह भी कूट के मैंने डाल दिया सब, इलायची भी डाल दी छोटी। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब इसमें हल्दी डालते हैं 1/2 चम्मच, लाल मिर्चा 1 चम्मच, आप अधिक भी डाल सकते हैं, जीरा पाउडर 1 चम्मच, आप खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। यह 1 चम्मच गरम मसाला है, यह घर का बना हुआ है, इसमें भी लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह है, आप कोई सा गरम मसाला डाल सकते हैं, या चिकन मसाला भी डाल सकते हैं आप, इसे मिला दीजिए कायदे से। मैंने अपने चैनल पर मटन बिरयानी भी डाल रखा है, आप ज़रूर देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए यह चिकन मैंने धो के साफ करके रखा हुआ है, वह भी डाल देते हैं इसमें। गैस की फ्लेम लो ही है, इसमें का जो थोड़ा पानी था वह भी मैंने डाल दिया है। अब इसे पकाएंगे, कायदे से ऊपर नीचे मिला देते हैं। मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया है, झटपट बन जाता है और कम ही सामान लगता है। अब इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए, गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है, और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, देखते हैं, देखिए यह पानी छोड़ दिया है, प्याज अभी गला नहीं है, अब इसमें पानी है, इसे और पकाएंगे। अभी प्याज गलने तक 15 से 20 मिनट और पकाएंगे, गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। 15 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं प्याज गला है या नहीं। प्याज गल चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे गैस की फ्लेम हाई करके भूजेंगे मसाला को। इसमें चिकन मसाला डाल देते हैं। अब कसूरी मेथी डालते हैं, आपके पास हो तो डाल दीजिए, वरना हरी धनिया भी डाल सकते हैं। देखिए यह भुज गया, एकदम तेल छोड़ दिया है, अब यह भुज चुका है। अब इसमें पानी डालेंगे, आप जैसा ग्रेवी चाहते हैं वैसा पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसे 2 मिनट और खौलाएंगे, यह खौल चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए यह हो गया, अब गैस बंद कर देंगे, बिरयानी की तैयारी करेंगे, पुलाव बनाएंगे। यह पुलाव वाला चावल है, 500 ग्राम है, इसे धोएंगे, धो के 20 मिनट छोड़ देंगे। देखिए मैंने धो के 20 मिनट से छोड़ दी। यह खड़ा गर्म मसाला है, मैं बताऊंगी क्या लगेगा। मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, मैं ऑयल डाल रही हूँ, यह सरसों का तेल है, आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। मैंने 1 बड़ा प्याज काटा है, इसे बिरयानी में डालना है, इसे फ्राई करना है एकदम लाल। देखिए लाल हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, ऑयल डाल दिया, तेज़पत्ता डाल दिया, दालचीनी देखिए मैंने डाल दिया, लौंग डाल देंगे 5 से 6, अब इसमें 5 इलायची कूट के डालेंगे। अब इसे मिला देते हैं,
चावल फूल चुके हैं, 20 मिनट हो चुका है, पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे चावल को। चावल डाल दिया मैंने, अब इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। नमक 1 चम्मच, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, नमक कम ही डालना है क्योंकि चिकन में भी नमक रहता है, इसलिए हिसाब से डालिएगा नमक। अब देखिए मैंने इलायची कूट ली है, इलायची भी मैं डाल दी, हरी इलायची मैंने 4 से 5 डाली है। अब इसे मिला देते हैं, गैस की फ्लेम हाई है। अब इसे ढक देंगे और ढक के इसे पकाएंगे। देखते हैं यह हुआ है कि नहीं, देखिए यह खोलने लगा है, इसे चेक करना है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चा ही रहना चाहिए, गलाना नहीं है। अब गैस मैंने बंद कर दी है, इसका पानी छान लेंगे। पानी अलग कर दिया मैंने, चावल अलग, देखिए दाना दाना एकदम अलग हुआ है, इसी तरह बनाना है। देखिए पानी ये है, यह चावल है, बहुत ही अच्छे बने हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं चिकन डालूंगी, गैस मैंने जलाई नहीं है अभी, चिकन डाल दिया मैंने। अब इसके बाद चावल डालूंगी, आप देख सकते हैं इस तरह से पूरी लेयर बना देनी है चावल की। अब इसमें भुजा प्याज डालेंगे जो फ्राई किया था, उसे डाल देना है। अब इसमें दही डाल देते हैं, 2 चम्मच दही डालेंगे। यह कलर है फूड कलर खाने वाला मैंने डाला। अब फिर चिकन डालते हैं, अब दूसरी लेयर तैयार कर रहे हैं। फिर मैंने चिकन डाला, अब इसमें बिरयानी मसाला मैं डालूंगी, यह ज़रूरी है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए मैंने डाल दिया, फिर चावल डाल दिया, चावल डाल के ढक देते हैं। फिर प्याज मैंने डाला फ्राई वाला, आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, अधिक भी डाल सकते हैं प्याज। अब दही मैंने डाली, दही डाल देंगे, अब कलर डाल देंगे। इसी तरह दोनों लेयर मैंने तैयार कर ली है, देखिए इस तरह से। कसूरी मेथी भी डालेंगे, देखिए आप हरी धनिया भी डाल सकते हैं इसकी जगह। अब इसे दम देना है, देखिए इस तरह से कपड़ा डाल देना है, गैस बंद है, इस तरह से ढक्कन लगा देना है, दबा के चारों तरफ से इसको मोड़ देना है। ढकने के बाद अब गैस जला देते हैं, 5 मिनट से छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं, देखते हैं, मैंने गैस बंद कर दी है। वाओ कितना सुंदर लग रहा है, आपकी बिरयानी तैयार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। मैं आपको दिखाती हूँ, दाना दाना अलग है एकदम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की, पूरा किचन महक उठा है, आप देख सकते हैं। देखिए एक एक दाना अलग अलग है, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप देख सकते हैं, लीजिए तैयार है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।